मैं आज आपको एक ओल्ड मॉडल बुलेट दिखाने जा रहा हूँ, जो है G2 इंजन। और इसका जो मॉडल है 1983 मॉडल है। और ये गाड़ी मैंने अभी 4 साल पहले रिस्टोर कराई थी। और ये गाड़ी आप देख सकते हैं ओल्ड मॉडल में कितनी प्यारी गाड़ी बनाई है, और 4 साल बने हुए हो गए। इस गाड़ी में आप देख सकते हैं कि उल्टे पैर पर ब्रेक होते थे और सीधे पैर पर गियर होते थे। और इसकी किक, ये आप न्यूटन देख रहे हैं, ये जो न्यूटन होता है, ये न्यूटन गियर को, पूरे गियर को उतारने के लिए होता है। और इसमें कार्बोरेटर भी बहुत पुराना लगा हुआ, जबकि कार्बोरेटर लगा हुआ है इसके अंदर। और इस गाड़ी को मैंने 4 साल पहले रिस्टोर कराया था। अब ये गाड़ी कुछ इस तरीके से दिखती है। और पुरानी गाड़ियों में आप जानते ही हैं कि कुछ नहीं बिगड़ता है, क्योंकि रॉयल इनफील्ड पुरानी ही अच्छी लगती है। नई रॉयल इनफील्ड में तो आपको पता ही है कि कोई साउंड नहीं है, कोई भी अच्छी उसमें क्वालिटी नहीं है बुलेट में। और इस बुलेट को चलाते चलाते मुझे 14 साल हो चुके हैं, और मैंने इस बुलेट को दूसरी बार रिस्टोर कराया है। कुछ साइड प्रोफाइल से लोग उसका ऐसा लगता है। और अलॉय व्हील इसमें मैंने कुछ इस प्रकार के डलाए हुए हैं। ये अलॉय व्हील भी काफ़ी टाइम पुराने हैं। और आप देख सकते हैं फ्रंट प्रोफाइल इसकी इस तरीके से दिखती है, और इसकी साइड प्रोफाइल इस तरीके से दिखती है। और बड़ी शानदार गाड़ी है, और चलाने में बड़ी स्मूथ है। और देख सकते हैं आप, काफ़ी प्यारी गाड़ी है। इसमें अलॉय व्हील भी काफ़ी पुराने डले हुए हैं, और इसमें जितना भी इसमें काम हुआ है वो जेन्युइन काम हुआ है इस गाड़ी के अंदर। और इस गाड़ी को मैं कम चलाता हूँ, क्योंकि काफ़ी समय से मैं इस गाड़ी को इसलिए नहीं चला पा रहा हूँ, क्योंकि इस गाड़ी को चलाने से वाइब्रेशन होता था, तो वाइब्रेशन के कारण मेरे बैक पेन होने लगा था, तो उस कारण मैंने इस गाड़ी को चलाना बंद कर दिया था। और इसमें कोई भी चीज़ न्यू नहीं है, सब कुछ ओल्ड मॉडल के ही है। कोई भी चीज़ इसमें बदली नहीं गई है, सिर्फ ओनली इसमें रिस्टोर कराया गया है, इसको कलर कराया गया। पहले ये गाड़ी किसी कुछ और लुक में दिखती थी, अब इसका लुक इस तरीके से है। मैंने इसमें एक तो ये कैप लगवाया है जो लगता है, और कुछ इस पे आईब्रो पे मैंने ये इसके क्रोम के लगाए हुए हैं, मतलब मेटल के लगे हुए हैं इसमें थोड़े से। और एक इतना से ही मैंने इसमें चेंजिंग करी, कोई कुछ मॉडिफाई नहीं किया। अलॉय व्हील के अलावा इस गाड़ी के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं डली हो। और इसमें अलॉय व्हील ये देख सकते हैं आप, इस प्रकार के मतलब कुछ अच्छे लगते हैं अलॉय व्हील इसमें। ये अलॉय व्हील सबसे मजबूत निकले, काफ़ी साल पुराने, जब से ये गाड़ी मैंने चला रहा हूँ, जब से ये अलॉय व्हील मेरी गाड़ी में है, करीबन 14 साल पुराने ये अलॉय व्हील हो चुके हैं, और बहुत अच्छे अलॉय व्हील निकले। अब जो अलॉय व्हील आ रहे हैं मार्केट में वो टूट जाते हैं, और ज़्यादा वजन नहीं झेल पाते हैं। और इसके अंदर गाड़ी के अंदर एक सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि इस गाड़ी को जितना आप चलाएंगे उतनी गर्म होगी, उतनी गर्म होने के बाद ये गाड़ी उतनी ही अच्छी दौड़ती है, और उतना ही मज़ा आता है। इसमें आपको लगेगा नहीं कि आप कोई हल्की गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि आपकी जो ब्लड आ रही है उसमें पिकअप इतना आता है कि आप उस गाड़ी को चलाएंगे तो ऐसा लगेगा बाइक चला रहे हैं। मगर इस गाड़ी को चलाने की एक रस्म होती है, रस्म यह होती है कि सबसे पहले इसमें चाबी ऑन करी जाती है, उसके बाद इसमें चौक लगाया जाता है इस तरीके से, चालू करने के लिए इसमें चौक लगाया जाता है इस तरीके से। चौक लगाने के बाद इस गाड़ी का हल्का सा एक्सीलेटर घुमाया जाता है, चालू करने से पहले एक्सीलेटर घुमाया जाता है। और इसमें एक कंप्रेसर काटने के लिए एक बटन होता है, ये बटन कंप्रेसर काटने के लिए होता है, जिससे किक आपका कंप्रेसर कट जाता है। और किक को कंप्रेसर काटने के बाद किक को इस प्रकार से कुछ लगाया जाता है, और आप सुन सकते हैं ये साउंड है इस गाड़ी का। अभी बंद हो गई है कभी, क्योंकि मैंने इसका पेट्रोल ऑफ कर रखा है। मैं फिर चालू करके आपको दिखाता हूँ, और कोशिश करूँगा कि आप इसका साउंड चेक करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि कैसा साउंड है इस गाड़ी का। देख सकते हैं इस गाड़ी का आप साउंड सुनकर बताएं कैसा साउंड है इसका। और कुछ इस तरह से वाइब्रेशन करती है ये गाड़ी, और साउंड अच्छा है। प्लस चलाने के बाद लगता है कि कुछ दमदार चीज़ चलाई है, क्योंकि आज तक की जो बाइकें आ रही हैं
बुलेट जो बाइकें आ रही हैं आजकल की, जो बुलेट बाइकें आ रही हैं वो बाइकें नहीं हैं, वो बुलेट बाइक है, बुलेट नहीं है, बुलेट नहीं है, बाइक है वो। और आप इस कंडीशन में आप बुलेट देखेंगे तो बहुत ही कम बुलेट हैं जो मार्केट में चला रहे हैं। एक मैं ही हूँ जो बहुत टाइम से बुलेट चला रहा हूँ। आपका भाई अब इस पे आगे बुलेट के ब्लॉग बना के डालेगा, और आप सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और जानकारी मैं आपको लेते आते रहूँ। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों।